चलो बढ़े आगे। ठीक है, तो कल की क्लास में बेसिकली हम लोगों ने स्टार्ट किया था भैया इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यही क्या है ना स्टार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। छोटी मोटी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई भी थी जिन्हें आप याद रखिएगा। ठीक, तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना काम। एक एक क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो आपको पूरा आइडिया होना चाहिए। ये पूरा PDF मैंने आपके पास में सेंड कर दिया है, सबके पास में सेंड कर दिया है, क्वेश्चंस आपको वहां से मिल जाएंगे। यहां आप कोशिश करिएगा क्वेश्चन को समझने की, और अगर ज़रूरत आप लोगों को लग रही है कि भाई हाँ मुझे लिखना चाहिए इसका आंसर तो लिखिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको पता है इसका आंसर क्या है, ठीक है, तो फिर उस कंडीशन में लिखने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। चलिए प्रॉब्लम नंबर वन देखिए हमारे पास में क्या है कि ये जो आप लोगों को हमने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बना कर दे रखी है, जैसे कि ये है नंबर टू पर, ये है नंबर थ्री पर, ये है नंबर फोर पर, ये है और नंबर फाइव पर ये है। ठीक है, इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सा पॉसिबल होगा और कौन सा पॉसिबल नहीं होगा। और अगर इनमें से कोई लाइन का रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं है तो वो क्यों पॉसिबल नहीं है, मतलब कारण के साथ हम लोगों को बताना है। ठीक है, फर्स्ट वाले पर हम आते हैं। कल मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताई कि हमेशा इलेक्ट्रिक लाइन सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। आप लोगों को दिख रही है ये फिगर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। ये वाला एंगल देखो ध्यान से, दिख रहा है क्या ये 90 है? यस और नो? ये वाला एंगल दिख रहा है, ये क्या ये 90 है? यानी प्रॉपर्टी हमारी ये है कि लाइन सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनानी चाहिए, लेकिन यहाँ लाइन सरफेस से 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही है, तो ये रिप्रेजेंटेशन हमारा पॉसिबल नहीं होगा। होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, समझ में आ रही बात? तो वो पूछ सकता है कि भाई होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? आप लिखेंगे कि भाई लाइन सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं और यहाँ लाइन सरफेस से 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही है, तो ये रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं है। अब आइए बी पॉइंट पर। लाइंस की एक प्रॉपर्टी होती है कि लाइंस हमेशा पॉजिटिव पॉइंट से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पॉइंट पर टर्मिनेट हो जाती हैं। पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पर ख़त्म हो जाती हैं, यानी लाइंस की जो डायरेक्शन है वो प्लस टू माइनस है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। अब आप यहां ध्यान से देखो, लाइंस की डायरेक्शन कहां है? प्लस टू माइनस। यहां लाइंस कहां से निकली? देखो एरो का साइन, देखो ध्यान से, लाइन कहां से निकली है? नेगेटिव से। और कहां जा रही है? एरो का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, और होना किस तरफ चाहिए? लेकिन यहां नेगेटिव तो पॉजिटिव है, तो क्या यह रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल होगा? नहीं होगा। समझ में आ गई बात आप लोगों को? यह रिप्रेजेंटेशन भी हमारा पॉसिबल नहीं है। अब आ जाइए बेटा आप लोग इस पर, ठीक है, ये है, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और प्लस से लाइन बाहर की तरफ जाती है। किस तरफ जाती है? तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी लाइंस प्लस से बाहर की तरफ जा रही हैं, यहां पर भी सारी लाइन प्लस से बाहर की तरफ जा रही हैं, लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, इसका मतलब है कि ये रिप्रेजेंटेशन हमारा करेक्ट है। क्यों है रिप्रेजेंटेशन करेक्ट? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, हमेशा लाइन पॉजिटिव से बाहर की तरफ जाती हैं, एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब है कि ये जो सी वाला रिप्रेजेंटेशन है ये पूरी तरीके से करेक्ट है। लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, पॉजिटिव पॉजिटिव की वजह से बाहर की तरफ जाएंगी, बीच का पोर्शन खाली हो गया, यानी यहाँ लाइन्स एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, तभी पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्लियर हो गई सभी लोगों को बात? अब जैसे डी वाला पॉइंट है, क्या लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं? यहाँ करती हुई दिखाई दे रही हैं आप लोगों को, देखो ये यहाँ देखो ध्यान से, इस वाले हिस्से को देखो, लाइंस कट कर रही है ना एक दूसरे को, तो ये रिप्रेजेंटेशन भी पॉसिबल नहीं है। तो अभी तक मैंने आपके सामने चार रिप्रेजेंटेशन दिखाए जिनमें से तीन पॉसिबल नहीं है, और तीनों के अलग अलग कारण है। इसका कारण क्या था भैया? ये वाला जो हमने बताया 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा है, लाइन कहां जा रही है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, ठीक है, करेक्ट है, सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। ये पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और इंटरसेक्ट करनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब यहां आते हैं, ठीक है, ये देखो, अगर हम देखें ध्यान से तो लगभग लगभग यहाँ सारी कंडीशन सेटिस्फाई हैं इस वाले कंडक्टर में। लाइंस पॉजिटिव से बाहर की तरफ जाती हैं, सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, लाइन सरफेस से नेगेटिव पर अंदर की तरफ आती हैं और सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। लेकिन इनके साथ लाइंस की एक और प्रॉपर्टी होती है, और वो ये होती है कि लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। इलेक्ट्रिक लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। बीच वाले हिस्से में आपको क्लोज लूप बनता हुआ दिख रहा है? अरे भाई दिख रहा है,
तो क्या इलेक्ट्रिक लाइन क्लोज लूप बनाती है? नहीं बनाती है, लेकिन इसने हमें क्लोज लूप बनाकर दे रखा है। इसका मतलब है कि ये रिप्रेजेंटेशन भी हमारा करेक्ट नहीं है। आप इस चीज को मत देखो कि करेक्ट क्यों नहीं है, आप ये देखो कि हर ना करेक्ट वाले में आपको एक प्रॉपर्टी डिफाइन की गई है, आपको एक प्रॉपर्टी समझाई गई है। ठीक है, पहले वाले में सरफेस से 90 डिग्री होना चाहिए, दूसरे वाले में लाइन पॉजिटिव टू नेगेटिव जानी चाहिए। समझ में आ रही बात आप लोगों को? जो हमने चौथे वाला इनकरेक्ट बताया है, फोर्थ वाला इनकरेक्ट बताया है, वहां लाइंस क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। और यहाँ क्लोज लूप नहीं बनना चाहिए था, लेकिन क्लोज लूप बन रहा है, इसीलिए ये रिप्रेजेंटेशन भी हमारा करेक्ट नहीं होगा। बताइए समझ में आ गई क्या बात आप लोगों को? इस तरीके का क्वेश्चन इलेक्ट्रिक लाइन से आप लोगों से पूछा जा सकता है। और ये 5 के 5 डायग्राम आपकी NCERT से लिए गए हैं बच्चों, तो बिल्कुल एज इट इज आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहला ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं आप लोगों के पास में सेंड कर चुका हूं, तो आप लोग वहां से इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं या NCERT से नोट कर सकते हैं। ठीक है, जहां भी जरूरत पड़ेगी लिखवाने की मैं वहां आप लोगों को लिखवाऊंगा। ओके, अब देखिए बेटा, ये हमारे प्रॉब्लम नंबर है सेकेंड। हालांकि मैं आगे चलकर इस पर आप लोगों को ना एक डेरिवेशन भी ड्राइव कराऊंगा, लेकिन यहां मैं सिर्फ आपको रिजल्ट बता रहा हूं और इस क्वेश्चन का मैं आंसर बता रहा हूं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ऊपर वाली प्लेट, यह है हमारे पास में प्लेट वन, ये प्लेट वन है, और यह है हमारे पास में प्लेट सेकंड। ठीक है, देखो ध्यान से डायग्राम को देखो, ये रहा डायग्राम आपके पास में, प्लेट दिख रही है बेटा आप लोगों को? ये कौन सी प्लेट है? फर्स्ट। ये कौन सी प्लेट है? ऊपर वाली प्लेट पर कैसा चार्ज है? नीचे वाली प्लेट पर। ओके, अब जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, देखो एक हमारे पास में चार्ज नंबर एक है, चार्ज नंबर दो है, चार्ज नंबर तीन है। अगर हम बिल्कुल ध्यान से देखें तो चार्ज नंबर एक और चार्ज नंबर दो ऊपर की तरफ मुड़ गए, डेविएट हो गए ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर वाली प्लेट पर कैसा चार्ज है? ऊपर वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, तो डेफिनेटली इन पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहा होगा। कैसा चार्ज रहा होगा? नेगेटिव ही तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। ये दोनों पार्टिकल देखो, ये ब्लू वाला भी हल्का सा ऊपर जा रहा है, जा रहा है ना हल्का सा ऊपर, बिल्कुल सीधा नहीं जा रहा, हल्का सा ऊपर जा रहा है। इसका मतलब है कि ब्लू वाले के ऊपर भी हमारा चार्ज मौजूद है। क्लियर हो रही है आप लोगों को बात? तो यहां भी नेगेटिव है और यहां भी कैसा है? दोनों नेगेटिव है, तभी ये पॉजिटिव की तरफ गए हैं। अच्छा, इस प्लेट पर कैसा चार्ज है? इसकी तरफ कौन, ये थर्ड नंबर वाला मुड़ा है, तो डेफिनेटली इस पर कैसा रहा होगा? क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ क्या हो जाएगा? डेविएट हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो तीनों पार्टिकल पर मैंने चार्ज तो आप लोगों को बता दिए। अब यही क्वेश्चन एक नए टर्म के साथ हम लोगों से पूछा जाता है, और वो ये है कि जो तीनों पार्टिकल आपको दे रखे हैं ना, ये बताइए तीनों पार्टिकल में सबसे ज्यादा स्पेसिफिक चार्ज, एक नया नाम आपके सामने है, स्पेसिफिक चार्ज सबसे ज्यादा किसका होगा? बेटा स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज को अगर हम मास से डिवाइड कर दें तो ये बन जाता है स्पेसिफिक चार्ज। चार्ज अपॉन मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज। और हमारे सामने रिलेशन ये होता है कि जो पार्टिकल अपने पाथ से जितना ज्यादा डेविएट होगा, जितना ज्यादा मुड़ेगा, उसका स्पेसिफिक चार्ज उतना ज्यादा होगा। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारी सीधी लाइन है, बिल्कुल ये हमारी सीधी लाइन है। ठीक, अब आप देखो जरा, ये जो ब्लू वाला पार्टिकल है ये इतना डेविएट हुआ, अरे भाई हुआ या नहीं हुआ? ब्लू वाला पार्टिकल इतना डेविएट हो गया, नंबर तीन वाला जो पार्टिकल है हमारा वो इतना डेविएट हो गया, और नंबर एक वाला जो पार्टिकल है वो इतना डेविएट हो गया। यानी इस रास्ते से सीधे जाना था, इन्हें जाना था ना इस रास्ते से सीधा। समझ में आ रही बात? ऊपर ये वाला पार्टिकल कहां पहुंच गया? ऊपर। ये वाला पार्टिकल कहां आ गया? नीचे। समझ में आ रही बात? और सेकंड वाला पार्टिकल हमारा यहां चला गया। क्लियर हो रही बात? आप लोगों को यह देखना है कि कौन सा पार्टिकल सबसे ज्यादा मुड़ रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो थर्ड वाला लगेगा हम लोगों का, कि थर्ड वाला पार्टिकल बहुत ज्यादा मुड़ रहा है। अरे मुड़ रहा है या नहीं मुड़ रहा है? यानी स्पेसिफिक चार्ज थर्ड पार्टिकल के लिए सबसे ज्यादा है, उसके बाद किसका नंबर है? फर्स्ट वाले का। स्पेसिफिक चार्ज थर्ड के बाद फर्स्ट वाले का है, और सबसे कम स्पेसिफिक चार्ज कितना है? सेकंड का। समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो स्पेसिफिक चार्ज का मतलब किस चीज से है? स्पेसिफिक चार्ज यानी क्यू अपॉन एम। क्यू अपॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। वाई का मतलब है डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में पार्टिकल कितना मुड़ गया है, जो पार्टिकल अपने पाथ से जितना ज्यादा डेविएट होगा। देखो इस वाले पार्टिकल का डेविएशन ना आप यहां से देखना, ये देखना यहां से। ठीक है,
इस वाले पार्टिकल का डेविएशन आप यहां से देखना कुछ इस तरीके से, यहां से पार्टिकल यहां से आ रहा था सीधा ऐसे, और पार्टिकल यहां से आते आते यहां से निकल गया, तो इतना डेविएशन हुआ इसके अंदर। पार्टिकल यहां से आ रहा था सीधा ऐसे, पार्टिकल यहां से मुड़ गया, इतना डेविएशन हुआ इसके अंदर। समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो हम कहेंगे स्पेसिफिक चार्ज Q upon m इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, जिसके अंदर जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उसका स्पेसिफिक चार्ज उतना ज्यादा होने वाला है। तो क्लियर हो गई बात, कौन से पार्टिकल पर कैसा चार्ज है और किसका स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा है और किसका स्पेसिफिक चार्ज कम है। एक छोटा सा नोट पॉइंट बनाकर अपनी कॉपी में आप लोग लिख लीजिए, लिखेंगे आप लोग स्पेसिफिक चार्ज। सबसे पहले स्पेसिफिक चार्ज का मतलब लिखिए क्या है। स्पेसिफिक चार्ज मीन्स क्यू अपॉन एम, चार्ज पर यूनिट मास, चार्ज पर यूनिट मास, चार्ज पर यूनिट मास, ये स्पेसिफिक चार्ज का मतलब है बच्चों, चार्ज पर यूनिट मास। ओके, चार्ज पर यूनिट मास, और उसके नीचे लिख लीजिएगा स्पेसिफिक चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। स्पेसिफिक चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्पेसिफिक चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकता है, आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल अच्छे से कि किसका स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा है या किसका कम है। क्लियर, कोई परेशानी किसी को? ठीक, बढ़े आगे। देखो बेटा, ये हमारे पास में ना नेक्स्ट प्रॉब्लम है, क्वेश्चन काफी अच्छा है, ध्यान से आप सुनिएगा, ये भी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। पहले हम एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं आपके सामने, ठीक है। प्रॉब्लम ये है, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कॉन्टिन्यूअस कर्व, दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक, व्हाई नॉट। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि यार हम जानते हैं कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइन हमारी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी। समझ में आ रही बात, कभी ऐसा नहीं होगा कि एकदम से लाइन हमारी ब्रेक हो गई, ऐसा नहीं हो सकता है कि लाइन हमारी एकदम से ब्रेक हो जाए। कारण दो हैं इसके, दो कारण ये है। पहली बात तो ये कि लाइन्स हमारी पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पर टर्मिनेट होती है, बीच में कहीं टर्मिनेट नहीं हो सकती है। समझ में आ रही बात। दूसरा कारण यह है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस लाइन की हम बात करें तो इस लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी तरीके से यूनिफॉर्म है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है उतना ही यहां है, उतना ही यहां है, उतना ही यहां है, उतना ही यहां है। अगर बीच में से लाइन ब्रेक हो गई, यानी इतने पोर्शन में लाइन नहीं है, अगर इतने पोर्शन में लाइन नहीं है तो इतने पोर्शन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो गया जीरो के बराबर। किसके बराबर हो गया? तो कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कहीं भी जीरो नहीं हो सकता है, इसीलिए हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइन कभी भी सडन ब्रेक नहीं हो सकती है, वो हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और कहां टर्मिनेट होगी? नेगेटिव पर, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक लाइन का इनिशियल पॉइंट क्या होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक लाइन का हमेशा इनिशियल पॉइंट हमारे पास में पॉजिटिव है और फाइनल पॉइंट हमारे पास में क्या है? ऑलवेज नेगेटिव। तो बीच में कहीं भी आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस ब्रेक नहीं हो सकती है। अगर वो बीच में ब्रेक हो गई तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगी और वहां इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा डिसकॉन्टिन्यूअस। क्या हो जाएगा? डिसकॉन्टिन्यूअस। ऐसा हो नहीं सकता है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? इसीलिए लाइन पूरी पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पर टर्मिनेट होगी। इसका जो सेकंड पॉइंट है, ऑलरेडी मैं कल की क्लास में आप लोगों को बता चुका हूं, क्या है सेकंड पॉइंट? एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। मैंने क्या बताया था इसके बारे में आप लोगों को कल? अगर दो लाइंस ने एक दूसरे को कट कर दिया तो एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन बनेंगी। कितनी डायरेक्शन बनेंगी? लेकिन होनी कितनी डायरेक्शन चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी का लॉ ये कहता है कि एक पॉइंट पर एक डायरेक्शन होनी चाहिए। अगर उन्होंने ऐसे कट कर दिया ना, बीच में ऐसे लाइंस ने कट कर दिया, तो ये कॉमन पॉइंट बन जाएगा बेटा, ये बनेगा कॉमन पॉइंट। इस पॉइंट पर इधर भी डायरेक्शन बनेगी और इधर भी डायरेक्शन बनेगी। एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन बनेंगी जो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन हो सकती है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करने वाली हैं। क्लियर हो गई बात? जल्दी से बताइए कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं इसके बारे में, तो आप लोगों को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, नेक्स्ट चलिए भाई, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। ये सारे क्वेश्चन भाई एनसीईआरटी के हैं, पहले हम एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं, कम से कम एनसीईआरटी पर आपकी कमांड अच्छी बन जाए। ठीक, चलिए देखिए प्रॉब्लम क्या है। टू पॉइंट चार्जेस, फर्स्ट चार्ज आप लोगों को दे रखा है 3 माइक्रो कूलम प्लस 3 माइक्रो कूलम। ओके,
दूसरा है -3 माइक्रोकुलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। हम लेट कर देते हैं, यहाँ का चार्ज है +3 माइक्रोकुलम और यहाँ का चार्ज हम लोगों को दिया गया है -3 माइक्रोकुलम, ठीक है। और उनके बीच का जो सेपरेशन आपको दिया है भाई, उनके बीच की जो सेपरेशन आप लोगों को दी है वो है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, यानी बिल्कुल यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना होगा। ये बताओ अगर ये पूरी डिस्टेंस 20 है तो ये आधी डिस्टेंस क्या हो गई 10 सेंटीमीटर, ये आधी भी क्या हो गई। अब थोड़ा ध्यान देना जरा, देखो जब इस प्लस की वजह से, इस प्लस 3 माइक्रोकुलम की वजह से हम इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरफ, प्लस की वजह से डायरेक्शन इस तरफ बनेगी। अगर इस प्लस की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे डायरेक्शन इस तरफ, ठीक है। और अगर इस -3 की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इसकी भी डायरेक्शन इस तरफ। अरे भाई समझ आया नहीं आया, प्लस की वजह से डायरेक्शन होगी हमारी बाहर की तरफ, इस प्लस की वजह से यहाँ निकालेंगे तो इधर, और माइनस की वजह से यहाँ निकालेंगे तो माइनस की वजह से डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द चार्ज, प्लस की वजह से होती है अवे द चार्ज और माइनस की वजह से होगी टुवर्ड्स द चार्ज। समझ में आ रही बात आप लोगों को। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, एक बात बताइए चार्ज की वैल्यू कितनी है और यहाँ भी चार्ज की वैल्यू कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, ये भी कितनी है, बताओ। चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। जैसे फोर्स हमारा दो चार्ज और उनके बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करता था, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करेगा चार्ज पर और चार्ज से लेकर पॉइंट के बीच के डिस्टेंस पर। चार्ज भी सेम डिस्टेंस भी सेम तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा सेम हो गया। तो मैंने इसकी वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसे कितना लेट किया, और इसकी वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड किया उसे भी क्या लेट किया, बताओ दोनों की डायरेक्शन सेम है या नहीं है। तो हम कहेंगे कि ओ पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू होगी 2E, ई प्लस ई दोनों की डायरेक्शन सेम तो ये हो गया 2E। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हम लिख सकते हैं 9×10⁻¹, यानी 1/4πε₀। चार्ज की वैल्यू है 3 माइक्रोकुलम, 3×10⁻¹। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है 10, 10×10⁻²² का होल स्क्वायर आंसर आएगा न्यूटन पर कुलम में। थोड़ा सा सॉल्व करो और देखो फटाफट क्या रिजल्ट निकल कर आएगा। 9×3 27, 27×2 54, 100 × 10⁻¹². सो करेक्ट आंसर इज, अरे भाई बातचीत कैसी हो रही है, 54×10³, ठीक है। सॉल्व करेंगे बताइए क्या बनेगा हमारे पास में, 10⁻²² बनेगा, अरे बनेगा या नहीं बनेगा। ये 100 है, ये 10⁻⁴ है, 10⁻², ऊपर जाएगा 10⁻ क्या बन जाएगा +2, आंसर आएगा न्यूटन पर कूलम्ब। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बनने वाला है टोटल, ठीक है, ओ पॉइंट पर। एक बार हमने इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला इस तरफ, एक बार हमने इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला वो भी इस तरफ, प्लस की वजह से बाहर की तरफ, माइनस की वजह से अपनी तरफ, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों को ऐड कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंड ऑन 2 फैक्टर, 1 चार्ज, 2 डिस्टेंस। चार्ज भी सेम डिस्टेंस भी सेम, इसीलिए दोनों की वैल्यू हम लोगों ने ई और ई लेट कर दी। दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों को ऐड किया। एक ई को निकालने का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने का फॉर्मूला है 9×10⁹, चार्ज है क्यू और नीचे है R², यह है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, 9×10⁹ चार्ज अपॉन R², ये वैल्यू हमारे पास में रहेगी, ठीक है। बस वैल्यू पुट करनी, आंसर बन जाएगा। जल्दी से बताइए समझ में आया या नहीं आया, बहुत बेसिक है यार, बहुत बेसिक है, मतलब कुछ नहीं है इसके अंदर, आराम से वैल्यू पुट करोगे बन जाएगा। ठीक है, समझ आया ना सभी लोगों को, क्या आंसर बनेगा, 5.4×10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। बनेगा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश।
बहुत सही जा रहे हो। प्रॉब्लम दिख रही है? ठीक है, क्या है हमें ये बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। आपको बताना है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा और मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा। पहले मैक्सिमम और मिनिमम को छोड़ दो, पहले मुझे ये बताओ कि ए पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सबसे पहले ध्यान से ए को देखो, क्या वो ए उन लाइंस के अंदर है या लाइंस के बाहर है? जहां लाइंस नहीं होंगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ए वाले पॉइंट पर कोई लाइन है तो हम क्या कहेंगे, ए पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाला है? ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाला है जीरो। जल्दी से बताइए समझ आया या नहीं आया। अब आप बी पॉइंट और सी पॉइंट को ध्यान से देखिए। बी वाले पॉइंट पर लाइंस नजदीक नजदीक हैं या सी वाले पॉइंट पर? बी पॉइंट पर लाइन थोड़ा सा क्लोजर है, समझ में आ रही बात। सी पॉइंट पर थोड़ा दूर दूर है, तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। बी वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। देखो ये जो ए वाला पॉइंट था ये लाइंस के बिल्कुल बाहर था, अगर ये यहां होता ना अंदर तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पास में होता, लेकिन ये लाइंस के बाहर है इसीलिए इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। बी पर ज्यादा है और सी पर सबसे कम है, तो बताओ मैक्सिमम किस पर होगा और सी पर क्या होगा? सी पर मिनिमम होगा या ए पर मिनिमम होगा? ए पर होगा मिनिमम, क्योंकि ए पर बिल्कुल जीरो है। समझ में आ गई बात? बताइए समझ आया नहीं आया? ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे पास में रहने वाली है। क्लियर? वन मार्क्स में इस तरीके की प्रॉब्लम आपके सामने आएगी तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल बहुत आराम से आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है किसी को तो डिस्कस कर लीजिए हमारे साथ में। बढ़े आगे। कई बार ना हम बहुत सारी चीजों को ना बहुत बेसिक मान के छोड़ के चल जाते हैं आगे, यार कि यार बहुत बेसिक है ये तो हम कर लेंगे। ठीक है, और आगे चलकर एग्जाम में वही चीजें हमारे लिए समस्या खड़ी कर देती हैं। तो आपको हर तरीके का सवाल पढ़ना है, भले कितना भी बेसिक क्यों ना हो और अच्छा सवाल क्यों ना हो, हर तरीके। और एनसीईआरटी में तो कुछ छोड़ना ही नहीं है आप लोगों को, बिल्कुल चाहे आप लोगों से 2+2=4 पूछ रखा है उस क्वेश्चन की भी आपको प्रैक्टिस करके जानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है हमारे पास में। बताइए प्रॉब्लम क्या है। 3 charges each = Q आर प्लेस्ड एट 3 corners ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द 4th corner। सबसे पहले हम देखते हैं भाई प्रॉब्लम है क्या हमारे पास में। देखिए हमें गिवन दिया है एक स्क्वायर, ठीक है, ये साइड भी ए 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 है। यहाँ का जो चार्ज आपको दिया है वो है प्लस क्यू, यहाँ भी है प्लस क्यू, यहाँ भी है प्लस क्यू, और यहाँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है 4th corner पे। 3 corners पे चार्ज रखे हैं, 4th corner पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले आप हमें ये बता दीजिए कि जिस कॉर्नर पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसके आसपास कितने चार्जेस रखे हैं? 3 रखे हैं ना, इस पर निकालना है, इसके आसपास कितने चार्ज हैं? 1, 2, 3। अरे है या नहीं है? यहाँ चार्ज कितना है? जब इस प्लस की वजह से इस पॉइंट पर निकालेंगे तो प्लस की वजह से डायरेक्शन होगी इस तरफ, होगी। जब इस प्लस की वजह से यहां निकालेंगे तो डायरेक्शन होगी इस तरफ, समझ में आ रही बात। ये बताइए चार्ज कितना है और डिस्टेंस कितनी है? चार्ज कितना है, डिस्टेंस कितनी है? क्या दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को सेम लेट कर सकते हैं हम लोग? क्यों सेम मान रहे हैं? क्योंकि चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। जल्दी से बताइए समझ आया नहीं आया। दो चार्ज का दो बोलो। मैं तो कुछ भी नहीं रखा है, पॉजिटिव ना पॉजिटिव रखा ना नेगेटिव रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, फोर्स थोड़ी निकाल रहे हैं। फोर्स की दुनिया से बाहर निकल जाओ आप, ठीक है। इसकी वजह से नीचे और इसकी वजह से इधर, समझ आ गई बात आप लोगों को? अच्छा, अब हम निकालेंगे इसकी वजह से यहां पर, क्या ये भी E होगा? क्योंकि 400 Q है लेकिन ये डिस्टेंस डिफरेंट है। ये डिस्टेंस कितनी है बेटा? A। ये कितनी है? ये एंगल कितना है? तो पाइथागोरस थ्योरम से ये निकल गई √2a, निकल गई √2a। जब इस प्लस की वजह से यहां निकालेंगे तो ये जाएगा इस तरफ और हमने इसे नाम दिया E डैश। क्या नाम दिया? ये बताइए E और E के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? कल मैंने बताया था, याद है या भूल चुके हो? E और ये भी कितना है? E और ये एंगल कितने डिग्री है? रिजल्टेंट जाएगा बीच में और ये कहलाएगा √2e। क्लियर? सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड
एट पॉइंट डी, डी वाले पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाला है उसकी वैल्यू रहेगी अंडर रूट टू ई प्लस ई डैश। ये बताइए हमने दोनों को ऐड क्यों किया, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसकी वजह से ये इधर और इन दोनों का रिजल्टेंट ये, इन दोनों का खेल खत्म हो गया रिजल्टेंट निकाल कर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी इज इक्वल टू अंडर रूट टू, बताइए इस ई को हम क्या लिख सकते हैं, इस ई को हम लिख सकते हैं के वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है क्यू, और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है। देखो वेरी इजी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ना बहुत आसान है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, जिस चार्ज की वजह से निकाल रहे हो उस चार्ज की वैल्यू क्यू, और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लिखते हैं ई डैश की वैल्यू, बताइए ई डैश की वैल्यू क्या रहने वाली है, ई डैश किसकी वजह से, पहले हमें ये बताइए इसकी वजह से यहां ई डैश है, अरे है या नहीं है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखेंगे के, चार्ज कितना है और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है अंडर रूट टू ए स्क्वायर, के क्यू अपॉन में हो गया अंडर रूट टू ए का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए कॉमन बता दीजिए हमें क्या आ रहा है, बेटा कॉमन आ रहा है के, कॉमन आ रहा है क्यू, कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर, के कॉमन आ लिया और के को हमने लिख दिया है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में है ए स्क्वायर, यहां बचेगा अंडर रूट टू, अरे भाई बचेगा, समझ में आ रही है बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, पक्का ओके। आगे क्या कंडीशन बनेगी हमारे पास में ये बताइए, प्लस वन अपॉन रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, वन अपॉन ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बताइए समझ आया नहीं आया, इसने उत्तर हमें क्या दे रखा है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वन पॉइंट नाइन क्यू ए स्क्वायर, अंडर रूट टू को तुम क्या लिख सकते हो 1.4, हाफ को 0.5, 1.4 और 0.5 1.9, नहीं समझे भाई, अंडर रूट टू को क्या लिख सकते हैं 1.414 और हाफ हो गया 0.5, हो गया ना 0.5, सो 1.4 प्लस 0.5 1.9, 1.9 क्यू और अपॉन में है ए स्क्वायर, समझ आ गई बात, सेम आंसर बन जाएगा आप लोगों को। वैसे 1.99 के चक्कर में मत पड़ना, यही छोड़ देना, बस यही तुम्हारा आंसर हो गया है। ठीक है, इससे आगे करने की जरूरत नहीं है कुछ भी, क्लियर है ना, बोलो तो वही तुम्हारे एग्जाम पीछे जाने वाले हैं बच्चों, पता चला तुम लोगों को, नहीं चला पता, अबे यार एक हफ्ते से न्यूज़ बनी हुई है बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़, और तुम्हें ये नहीं पता चला तुम्हारे एग्जाम पीछे जा रहे हैं, उम्मीद लग रही है कि आपके एग्जाम पीछे चले जाएंगे और लगभग 15 से 20 दिन तो पीछे हटेंगे ही हटेंगे आपके एग्जाम, मतलब अगर मार्च में होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं कि जो अब तक खुले ही नहीं है, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं और वहाँ कोई कोचिंग की व्यवस्था भी नहीं है, वहाँ के बच्चे पूरा स्कूल पर ही डिपेंड करते हैं, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट हो गई और बहुत सारी आप लोगों की यूनियन टेरिटरी हो गई। ठीक है, तो उनकी वजह से एग्ज़ाम थोड़ा सा पीछे हटाए जा सकते हैं लगभग 15 से 20 दिन, तो अगर तुम्हारे नॉर्मली एग्ज़ाम मार्च में होंगे तो फिर 20 मार्च 25 मार्च के आसपास चले जाएंगे, थोड़ा सा समय आप लोगों को और मिल जाएगा, कहेगा मस्ती करने का है, पढ़ने का नहीं, पढ़ने पढ़ दो तुम अब भी नहीं रहे हो। चल भाई ऐसा है, मैं इस क्वेश्चन के ऊपर पूरा दांव लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होने वाला है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम इसका सोल्यूशन करते हैं। मैंने दो क्वेश्चन रखे हैं इसके जैसे ही यहां पर, अब कुछ भी करके आपको ये प्रॉब्लम सीखनी है बच्चों, अच्छे से रटनी नहीं है बिल्कुल भी, अच्छे से सीखना है इस प्रॉब्लम को, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे बनाएंगे एग्जाम के अंदर। करें स्टार्ट,
चलो देखो प्रॉब्लम क्या है बेटा अपने पास में, टू पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस फोर क्यू आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 6a. फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. यानी आपको ऐसे पॉइंट की पहचान करनी है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है जीरो. ठीक है, देखो हमें दोनों चार्ज दे रखे हैं पॉजिटिव, तो सबसे जरूरी चीज तो यही है हमारे पास में कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि दोनों चार्ज कैसे हैं. देखो बेटा अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं या दोनों चार्ज नेगेटिव हैं, यानी कंडीशन है फॉर लाइक चार्जेस, क्या तो दोनों पॉजिटिव हैं क्या दोनों क्या हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में जीरो होगा. कहीं भी जीरो हो सकता है, इनके बीच में जीरो होगा. लेकिन ध्यान रखना दोनों क्या तो क्या होने चाहिए पॉजिटिव या दोनों क्या होने चाहिए लाइक चार्ज की कंडीशन है. मुझे ये बताइए इन दोनों चार्ज में से छोटा चार्ज कौन सा है, स्मॉल मैग्नीट्यूड किसका है, किसका है क्यू, ये रहा सेंटर बीच में, तो जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है यहां एक पॉइंट लेट कर दीजिए P, और मान लीजिए कि इस पॉइंट P पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाला है वो जीरो रहने वाला है. क्लियर हो गई बात, पॉइंट को मानना बहुत जरूरी है तभी आपका क्वेश्चन सही बनेगा. ठीक है, अब देखिए मैंने इस डिस्टेंस को लेट कर दिया एक्स, क्या लेट किया, तो इधर से ये डिस्टेंस कितनी रह गई, इधर से ये डिस्टेंस रह गई 6a माइनस एक्स. जब हम इस प्लस की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इस प्लस की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो भैया हमारी डायरेक्शन जाएगी इस तरफ. इसकी वजह से जब इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये इस तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कहा ई वन, कितना कहा E1. जब उस प्लस की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो प्लस है, डायरेक्शन जाएगी इधर, और हमने इसे नाम दिया है ई टू, कितना नाम दिया है. अब मुझे ये बताइए इस P पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, P पॉइंट पर रिजल्ट, अभी जीरो को छोड़ दीजिएगा, पॉइंट P पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इधर कितना है E1, इधर कितना है, बताओ दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है या नहीं है, तो पॉइंट P पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E1 माइनस E2. और हमें पता है ऑलरेडी, हम लोग जानते हैं इस बात को कि P पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है. जल्दी बताओ नहीं आया क्या समझ में. सबसे जरूरी है पॉइंट की पहचान करना, अगर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और उस तरफ जीरो होगा जिस तरफ का चार्ज छोटा है. और छोटा और बड़ा ना आपको बिना प्लस और बिना माइनस के देखना है, सिर्फ वैल्यू पर ध्यान देना है आप लोगों को, ओनली वैल्यू पर. ठीक है, हम कहेंगे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है. चलिए अब हमने कहा ई वन माइनस ई टू इज इक्वल टू जीरो, सो ई वन इज इक्वल टू ई टू. ई वन है इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, निकालो ई वन कितना होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k. अरे है भाई, ये चार्ज कितना है q, और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब उसकी वजह से यहां निकालो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, चार्ज कितना है, डिस्टेंस कितनी है 6a माइनस x का होल स्क्वायर k q. क्लियर, एनी प्रॉब्लम. अब देखो हम क्या लिख सकते हैं, हमने इधर लिखा 1 अपॉन x का होल स्क्वायर, और यह है 4 अपॉन 6a माइनस x का होल स्क्वायर. हमने लिख दिया 2 अपॉन 6a माइनस x का होल स्क्वायर, कैंसिल आउट, 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2 6a माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6a माइनस x इज इक्वल टू 2x, 6a इज इक्वल टू 3x, सो x इज इक्वल टू 2a, x इज इक्वल टू, यानी इधर से 2a डिस्टेंस पर, इधर से कितने डिस्टेंस पर, अच्छा इधर से 2a है तो उधर से कितनी हो जाएगी 6a माइनस के 2a 4a, यानी छोटे वाले चार से 2a की डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और बड़े वाले चार से 4a की डिस्टेंस पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है. बताइए समझे या नहीं समझे. फॉर एग्जाम्पल अगर यही प्रॉब्लम हमारे पास में कुछ ऐसे आती, एक चार्ज हमें दे रखा है माइनस के 4 माइक्रो कूलम्ब, एक चार्ज हमें दे रखा है माइनस के 9 माइक्रो कूलम्ब, इनके बीच की सेपरेशन हमें दे रखी है 40 सेंटीमीटर, यह है सेंटर O. ठीक है, हमसे पूछा कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां होगा, तो ध्यान से जरा सिस्टम को देखिए, पहला चार्ज कैसा है नेगेटिव, दूसरा भी कैसा है लाइक चार्ज है, है पक्का बिना माइनस के, ये बताओ छोटा चार्ज कौन सा है विदाउट माइनस, 4 है ना 4, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जीरो होगा हमारा, यहां जीरो होगा. इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, इस डिस्टेंस को हमने क्या नाम दिया, रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो गई 40 माइनस एक्स, इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो के, चार्ज कितना है 4 माइक्रो कूलम,
और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो के, चार्ज कितना है और डिस्टेंस कितनी है 40 - x² के माइक्रोकुलम माइक्रोकुलम। बताओ जल्दी से, समझ में आया नहीं है? पक्का बताओ। इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 upon x² 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 upon 40 - x² होल स्क्वायर से होल स्क्वायर फिनिश। अरे भाई समझ आया? तो क्या बनेगा, 2 upon x = 3 upon 40 - x, 80 - 2x = 3x, 80 = 5x, x = 16 cm, इधर से 16 सेंटीमीटर पर, उधर से 40 में से 16 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 24 आएगा या नहीं आएगा, उधर से 24 सेंटीमीटर पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहने वाला है, जीरो रहने वाला है। ये कंडीशन कहे के लिए है, फॉर लाइक चार्जेस, और जो चार्ज छोटा होगा, जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा, उस तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। ओके चलो ठीक है, अब ध्यान रखना कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को इस क्वेश्चन से लग जाएगा। ठीक है, देखो सेम प्रॉब्लम है, फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार हमें अनलाइक चार्ज दिए हैं, एक चार्ज अगर पॉजिटिव है तो दूसरा चार्ज नेगेटिव है। ठीक है, ध्यान से देखो प्रॉब्लम्स हमें क्या दे रखी हैं भाई। एक किनारे पर यानी एक कॉर्नर पर जो चार्ज की वैल्यू हम लोगों को दी है वो है प्लस के 16 माइक्रोकुलम, दूसरे किनारे पर जो चार्ज की वैल्यू है माइनस के 9 माइक्रोकुलम है, और इनके बीच का गैप है 8 सेंटीमीटर। मुझे ये बताइए अनलाइक चार्ज है या नहीं है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कतई जीरो नहीं होगा। समझ में आ रही बात, बिल्कुल जीरो नहीं होगा इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होने वाली है फॉर अनलाइक चार्जेस। ये बताइए छोटा चार्ज कौन सा है, विदाउट प्लस विदाउट माइनस 9 है या नहीं है, तो 9 वाले से यानी छोटे वाले चार्ज से बाहर की तरफ यहां एक पॉइंट आपको लेट कर देना है पी, और इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है जीरो के इक्वल। ठीक है, जो छोटे वाला चार्ज होगा ना उससे प्लस माइनस के केस में, प्लस माइनस के केस में या माइनस प्लस के केस में, छोटे वाले चार्ज से बाहर की तरफ एक पॉइंट पी लेट कर देंगे जिस पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के इक्वल होगा। अब आप क्या करोगे, एक बार इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, एक बार इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, दोनों को इक्वल रखो, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, चलिए एक बार 16 की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालेंगे, इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कितना होगा, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितने फैक्टर पर डिपेंड करता है, चार्ज और, जब इसकी वजह से हम यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो 1/4πε0 मींस के यहां चार्ज कितना है 16 माइक्रोकुलम, और यहां से लेकर वहां तक की डिस्टेंस कितनी है 8 + x². क्लियर हो गई बात? ठीक है, एक बार इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कितना होगा, इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, जल्दी बताओ इसकी वजह से यहां कितना होगा, के माइनस नहीं लेना है, कितना होगा 9 माइक्रोकुलम, और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, बताओ जल्दी से, समझ आया नहीं आया, क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, के से के, माइक्रोकुलम से माइक्रोकुलम, ये क्या है 16, क्या लिखेंगे ये क्या है 8 + x² यहां क्या लिखेंगे बेटा 3 upon x² होल स्क्वायर से होल स्क्वायर 4 upon 8 + x = 3 upon x क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x की मल्टीप्लाई यहां करेंगे 4x = 24 + 3x x = 24 सेंटीमीटर यानी यहां से 24 सेंटीमीटर बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो के इक्वल होगा। जल्दी बोलो समझ में आया या नहीं आया।
अगर यहां से 24 होगा तो यहां से कितना होगा? 24 प्लस 8 कितना होगा? लिखना पड़ेगा वहां जाकर कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस के 9 माइक्रो कूलम से 24 पर है और 16 माइक्रो कूलम से 32 सेंटीमीटर पर है। पूरी लाइन लिखकर आओगे नहीं तो नंबर कट जाएंगे आप लोगों के। ध्यान रखना, आंसर निकालने के बाद पूरा लिखकर आना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट पॉइंट पी, और पॉइंट पी कहां है? पॉइंट पी है 32 सेंटीमीटर फ्रॉम 16 माइक्रो कूलम एंड 24 सेंटीमीटर फ्रॉम 9 माइक्रो कूलम। क्लियर? ठीक है, दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, लाइक के केस में भी अनलाइक के केस में भी। सात्विक हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप ही बताने वाले हैं हमें, बताओगे? गुड, सबका हो गया भाई। अब देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। सबसे पहले आंसर सात्विक बताएगा, कोई और नहीं बताएगा, करेंगे आप सभी लोग। फाइंड द पोजिशन ऑफ नल पॉइंट। बेटा नल पॉइंट का मतलब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के जीरो होने से ही होता है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि वो हमेशा आपसे ही कहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां है, वो नल पॉइंट की पोजीशन भी पूछ सकता है। चलिए बताइए सात्विक। अरे सर अपनी कॉपी में करके आंसर बताइए मुझे। जी साहब क्या आंसर बना? अबे तुझसे पहले सबने कर लिया गधे, एक मिनट के चक्कर में। क्या आंसर बना? 200 कहां से? 16 वाले से। 16 वाले से 200 और 25 वाले से 200। 200 को काफी ज्यादा नहीं हो जाएगा? उनके बीच का गैप तो 50 है यार। 200 बाय 9, अच्छा 200 बाय 9, ठीक है। सबका यही निकला? कहां होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो? यहां होगा। इस डिस्टेंस को क्या लेट कर लें और रिमेनिंग कितनी रह जाएगी? 50 माइनस, एक बार इसकी वजह से यहां निकालेंगे के माइनस मत लेना भाई, 25 क्यू 50 माइनस एक्स का होल स्क्वायर के 16 क्यू, इसकी वजह से यहां निकालेंगे एक्स स्क्वायर, कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट, 5 अपॉन 50 माइनस एक्स 4 अपॉन एक्स, 5x 200 माइनस के 4x, 9x इज इक्वल टू 200, एक्स इज इक्वल टू 200 अपॉन ये आ रहा है 22 के आसपास आ रहा होगा, 20, ठीक है। क्लियर है ना? समझ गए हो सभी लोग? पक्का? तुम लड़की समझ आ गया कैसे निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड में ध्यान रखना कौन कौन से टर्म हमें यूज करने हैं, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे आना चाहिए वो आप लोगों से। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो भाई प्रॉब्लम क्या है बच्चों अपने पास में, टू पॉइंट चार्जेस 3 माइक्रो कूलम और -3, सेम क्वेश्चन जो मैं अभी बता रहा था आप लोगों को, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। हम लोगों ने 2-3 पहले क्वेश्चन पहले किया था इस तरीके का प्रॉब्लम। कितने सेंटीमीटर अपार्ट है? ओके, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्जेस। इसका आंसर तो मैं आपको जस्ट अभी बता चुका हूं, जब मैंने 2e किया था यार, एक की तरफ इधर गया था फिर माइनस की तरफ भी इधर ही गया था, ई और ई को जोड़कर मैंने 2e लिख दिया था, याद है या नहीं है? जिसका आंसर 5.4 into 10 की पावर 6 आया, वो 54 वाला आंसर आ रहा था, नहीं आ रहा था? वही है सेम बिल्कुल।
अच्छा इसका सेकंड पार्ट हम लोगों को करना है, दो बार रिपीट हो चुका है आपका सीबीएसई के अंदर, पांच में और तीन में, ठीक है। इफ नेगेटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर, फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। वैसे तो सवाल का कोई अस्तित्व नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक, लेकिन मैं सवाल बता रहा हूं सिर्फ एक टर्म के लिए आप लोगों को। अब वो टर्म आप ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल, वो क्या है, ठीक है। देखो यहां हमें दिया गया है 3 माइक्रो कूलम, यहां हमें दिया गया है माइनस के 3 माइक्रो कूलम, इनके बीच का गैप है 20 सेंटीमीटर। ये रहा हमारा, हमारे पास में मिडिल पॉइंट O। इस माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस प्लस की वजह से, ये प्लस के तीन है, प्लस की वजह से यहां निकालेंगे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, दोनों की डायरेक्शन सेम, तो रिजल्टेंट हो गया 2E। O पॉइंट पर जो रिजल्टेंट हमारा निकल कर आया, मैं डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिख देता हूं आपके सामने, मैंने अभी आपके सामने निकाली थी और वो आई थी इतनी। O पॉइंट पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा 5.4 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। O पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। अब उसने ये कहा कि अगर मैंने O पॉइंट पर लाकर एक चार्ज को रख दिया है क्यू नॉट, और उस क्यू नॉट की वैल्यू है 1.5 × 10⁻¹ कूलम, यहां ना यहां इस पॉइंट पर मैंने इतना चार्ज रख दिया, समझ में आ रही बात, तो इस पर कितना फोर्स काम करेगा, बहुत आसान है। ये बताइए ये चार्ज कहां रखा है, O पॉइंट पर, अरे रखा है, और O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इतना है। सो फोर्स एट O पॉइंट इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट O पॉइंट। बेटा फोर्स निकालने का ये बहुत कॉमन फॉर्मूला है, आगे चलकर ना ये फॉर्मूला खूब धूम मचाने वाला है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे इस फॉर्मूले के ऊपर बनेंगे। F इज इक्वल टू QE, क्यू क्या हो गया है चार्ज, और E क्या हो गया है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू चार्ज रखा है O पॉइंट पर। पहले ये देखो O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है O पॉइंट पर, चार्ज रखा है इतना, दोनों की मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करके आपका फोर्स निकल जाएगा। बताओ चार्ज की वैल्यू कितनी है, क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 5.4 × 10⁶, आंसर कितना आएगा हम लोगों का, इतने न्यूटन आएगा, मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, बीच वाले पॉइंट पर इतना फोर्स हमारा काम कर रहा होगा, क्लियर। इस तरीके का सवाल हमारा बनेगा। अब यहां से आपको फॉर्मूला मिल गया, और अगर हमें किसी चार्ज पर फोर्स निकालना है तो फॉर्मूला है F इक्वल टू QE। हम आगे चलकर बहुत सारे सवाल इसी फॉर्मूले के ऊपर बनाने वाले हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया है, ठीक है। कर लीजिए नोट अगर आप नोट करना चाहते हैं तो, बाकी है नहीं कुछ, बेसिक है बहुत। ठीक है बढ़े, ओके चलिए। हेडिंग लिखिए अपनी कॉपी के अंदर, सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको ध्यान से पढ़ना है, सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देखो इस पर हम सिर्फ उसी टर्म की बात करेंगे जैसा सवाल आपके एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है। देखो भाई क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में गिवन दिया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में गिवन दिया है। हमें पता है कि जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और नेगेटिव पर फिनिश होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर जगह इसकी वैल्यू E के बराबर है, हर जगह इसकी वैल्यू किसके बराबर है E के। मैंने यहाँ इनके बीच में एक चार्ज को रखा और उस चार्ज की वैल्यू है प्लस Q। मैंने इस चार्ज को यहाँ पर रेस्ट में रखा है, काहे में रखा है, रेस्ट का मतलब है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 के बराबर है, ठीक। अब मुझे एक बात बताइएगा, यहाँ कैसा चार्ज है जल्दी बताइए, पॉजिटिव, यहां कैसा है पॉजिटिव, पॉजिटिव में क्या होगा रिपल्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगा अट्रैक्शन, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा, समझ में आ रही बात। जब ये पॉजिटिव इस नेगेटिव की तरफ चलेगा तो मैंने माना इसका एक्सीलरेशन है ए, कितना एक्सीलरेशन है, और इस चार्ज का जो मास आप लोगों को दे रखा है वो है एफ, वो है एम, ठीक है। चलिए मुझे ये बताइए चार्ज की वैल्यू कितनी है, अरे जल्दी बोलो, चार्ज की वैल्यू है क्यू, प्लस और प्लस में काम करेगा रिपल्शन, प्लस और माइनस में काम करेगा अट्रैक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ई। तो जब ये चार्ज माइनस की तरफ चलेगा तो इस चार्ज पर कितना फोर्स काम करेगा, इस चार्ज पर फोर्स काम करेगा एफ इज इक्वल टू क्यू ई, जस्ट अभी मैंने आप लोगों को सिखाया, क्यू चार्ज है
और Q चार्ज E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, कौन सी फील्ड में रखा है, E इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस चार्ज पर इतना फोर्स काम करेगा F इज इक्वल टू QE। हम जानते हैं ये जो हमारा फोर्स है ये MA के भी इक्वल होता है, बताओ होता है या नहीं होता है, F इक्वल टू QE हो गया, F इक्वल टू MA हो गया, सो हम दोनों को आपस में इक्वल रख सकते हैं, F इज इक्वल टू QE, F इज इक्वल टू MA, सो MA इज इक्वल टू QE और एक्सीलरेशन की वैल्यू निकल जाएगी ये QE अपॉन M, यानी किसी भी चार्ज का जो एक्सीलरेशन होगा उसकी वैल्यू होगी ये Q चार्ज E M, समझ में आ रही बात, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपसे पूछा, आफ्टर T टाइम वेलोसिटी बताओ कितनी होगी, यानी जब ये चार्ज यहां से यहां पहुंच जाएगा, जब ये चार्ज यहां से यहां, देखो बोर्ड में ही ये सवाल पूछा गया है वेलोसिटी वाला, आप ध्यान रखिएगा, जब ये चार्ज यहां से यहां पहुंच जाएगा तो वेलोसिटी कितनी होगी, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू कितना था, एक्सीलरेशन कितना आया और टाइम कितना है टी, सो वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम इज क्यू ई अपॉन एम मल्टीप्लाई बाय टी, क्यू हो गया है चार्ज, E हो गया है इलेक्ट्रिक फील्ड, M हो गया है पार्टिकल का मास और T क्या हो गया है टाइम। अब इस पर सवाल हम लोगों से कैसा पूछा गया, बोर्ड एग्जाम में पहला क्वेश्चन जो इसके ऊपर पूछा गया है, लो भैया इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कहां से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव से, ठीक है, खत्म कहां होता है नेगेटिव पर, यहां रखा है एक इलेक्ट्रॉन और यहां रखा है एक प्रोटोन, ठीक है, यहां है एक इलेक्ट्रॉन और यहां है एक प्रोटॉन, ये बताइए ध्यान से जरा हमें, ये नेगेटिव किसकी तरफ जाएगा और इसका एक्सीलरेशन होगा ए ई, एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये पॉजिटिव किस तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ, इसका एक्सीलरेशन कितना होगा ए पी, एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन, समझ में आ रही बात, जस्ट अभी हमने एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला था क्यू ई अपॉन एम, इस फॉर्मूले को इलेक्ट्रॉन के हिसाब से सेट करो, जब हम इस फॉर्मूले को इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग सेट करेंगे, Q का मतलब है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कितना है इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, समझ में आ रही बात, इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों का सेम है, दोनों एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई E, इलेक्ट्रॉन का मास हो गया एम ई, बताओ समझ में आया या नहीं आया, अब हम बात करते हैं प्रोटोन की, तो प्रोटोन का चार्ज ई, इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई, प्रोटोन का मास कितना हो गया एम पी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का चार्ज सेम है, तो यहां भी E और वहां भी E, ये हो गया एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन, अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं, हमसे रेशो पूछा है कितना होगा, अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू E से ये कैंसिल आउट, ठीक है, नीचे ये है तो एम पी पहुंच जाएगा ऊपर और एम ई कहां जाएगा, लो भैया ये बनेगी हमारे पास में कंडीशन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो एक्सीलरेशन का रेशो होने वाला है वो उनके मास के रेशो के इक्वल होगा, उनके मास के रेशो के इक्वल होगा, बताइए समझ में आया या नहीं आया, कई बार यही क्वेश्चन हम लोगों से कैसा पूछा जाता है, पहले ये बताओ कि इतना समझ में आया या नहीं आया, बताओ जल्दी से, पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, कई बार हमसे यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि टी टाइम में इस इलेक्ट्रॉन ने इतनी डिस्टेंस कवर की है x1, ठीक है, और टी टाइम में इस प्रोटॉन ने जो डिस्टेंस कवर की है वो इतनी की है x2, टी टाइम में इलेक्ट्रॉन ने जो डिस्टेंस कवर की है वो x1 है और टी टाइम में प्रोटॉन ने जो डिस्टेंस कवर की है वो x2 है हमारे पास में, ठीक है, ओके, अब देखिए हम क्या करने वाले हैं ध्यान से, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस लिखता हूं तो यहां बनेगा x1 इज इक्वल टू, बेटा u की वैल्यू तो जीरो थी स्टार्टिंग में, दोनों की वेलोसिटी जीरो थी, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर मोशन की सेकेंड इक्वेशन है, u तो दोनों के लिए जीरो है, समझ में आ रही बात, अच्छा मैंने माना कि t टाइम में मुझे बताना है तो मेरे पास में बचेगा x1 इज इक्वल टू हाफ a1 t स्क्वायर अपॉन में है x2, यहां मेरे पास में बचेगा हाफ ए टू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर टी स्क्वायर हाफ हाफ, क्या बना भाई मेरे पास में डिस्टेंस का रेशो, बताओ किसके बराबर आया, डिस्टेंस का रेशो एक्सीलरेशन के रेशो के बराबर आया, क्यों, हाफ भी कैंसिल आउट हो गया, टाइम भी कैंसिल आउट हो गया, दोनों के लिए टाइम आपको सेम दे रखा था,
एक्सिलरेशन का रेशो आप पहले ही बता चुके हैं, क्या है एक्सिलरेशन का रेशो? एक्सिलरेशन का रेशो मास के रेशो के इक्वल है। यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ प्रोटॉन है, यहाँ प्रोटॉन है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, समझ में आ रही है बात आप लोगों को? तो यहाँ से आपका डिस्टेंस का रेशो भी निकल जाएगा। इस तरीके से हम डिस्टेंस के रेशो को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? तो ये मैंने आपको ना थोड़ा सा बेसिक बताया है सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का थोड़ा सा बेसिक है, इसके अंदर ये बहुत जरूरी काम है और हमें जरूर पढ़ना है, ठीक है? भले यहाँ से एक भी क्वेश्चन ना बने बोर्ड एग्जाम के अंदर, लेकिन चांसेस पूरे पूरे हैं कि बन सकता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक? कोविड की वजह से अगर ना बने तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन, तो हमें पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ये, ठीक है? नोट कर लीजिए आप लोग।